तो ब्लैक विडो मूवी का फाइनल ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर में हमने बहुत सारी नई फुटेज भी देखी, लेकिन इसके बावजूद हम मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं जान पाए हैं। लेकिन ट्रेलर में हमने होकाय, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक पैंथर और स्पाइडरमैन जैसे करेक्टर की झलक जरूर दिखाई दी। तो चलिए देखते हैं कि हमने ट्रेलर में और क्या देखा। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें पता चलता है कि ब्लैक विडो की फैमिली दूसरों से नताशा के बारे में झूठ बोलती रही है कि वो बाहर रहती है और उसके हस्बैंड एक साइंटिस्ट हैं। इसके अलावा मूवी में हमें मल्टीपल ब्लैक विडो देखने को मिलेगी जिनका ब्रेन वॉश टास्क मास्टर ने किया हुआ है। तो अब यहाँ पर टाइमलाइन भी सिविल वॉर के बाद की होने वाली है, तो रोज भी ब्लैक विडो के पीछे लगा होगा और नताशा की फैमिली रेड गार्डियन के अलावा सभी ब्लैक विडो नताशा को मारना चाहती है और यहाँ इन सब की इन्फॉर्मेशन भी नताशा की फैमिली ही उसे देती है। इसके अलावा ट्रेलर में टास्क मास्टर के बहुत से क्लियर लुक देखने को मिले, लेकिन मास्क के पीछे असल में कौन है अभी भी मार्वल हमें इससे सरप्राइज रखे हुए है। लेकिन हाँ, हमें टास्क मास्टर को ब्लैक विडो के मूव कॉपी करते हुए भी दिखाई दिया और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि टास्क मास्टर आयरन मैन 2 की फाइट क्लिप भी देख रहा था। इसके अलावा टास्क मास्टर की फाइटिंग स्किल और मूव से लगता है कि उसने कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर और होकाई के मूव्स या फाइटिंग स्किल को अच्छे से देखा या कॉपी किया हुआ है। तो एंड में मूवी ओवरऑल बेस्ट होने वाली है और बेस्ट होने का कारण सिंपल है यार, ये मूवी मार्वल की जो है। तो आप हमें कॉमेंट में बता सकते हैं कि आपको ट्रेलर कैसा लगा और अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियो बनाने के लिए।